नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में टीएमसी विधायकों और उनके गुंडों का सब तरफ आतंक चल रहा है। वो जो चाहें कर लेते हैं, खुलेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। टीएमसी के चुंचड़ा के विधायक असित मजुमदार ने अपने समर्थकों के साथ मिल करके बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया और उन्होंने बीजेपी का प्रचार कर रहे कार्यकर्ताओं को खुद लाठी देकर दौड़ाया और उन पर लाठियों से प्रहार किया। एक विधायक होकर असित मजुमदार खुलेआम गुंडागर्दी करते रहे, लेकिन पूरे माहौल में कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था और बीच सड़क पर हुई लोकतंत्र के चीरहरण पर लोकतंत्र के सारे ही ठेकेदार इस समय चुप्पी लगाए बैठे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पे टीएमसी विधायक असित मजुमदार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी पर बीजेपी वालों ने अटैक कर दिया है, जुलूस निकालो, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हमला बोल दो। और मोबाइल फोन पर असित मजुमदार ये निर्देश दे रहे हैं, ये ऑर्डर कर रहे हैं कि जहां मन कर रहा है जुलूस निकालो, चारों ओर जुलूस निकालो। वहीं बीजेपी के विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने असित मजुमदार के इस दावे को निराधार बताते हुए एक ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि बंगाल में कानून का शासन नहीं, शासक का कानून है। तो आप उनकी इस लाइन में कि कानून का शासन नहीं, शासक का कानून है, आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे किसका डंडा चल रहा है, किसका कानून चल रहा है, किसका शासन चल रहा है। हावड़ा जिला के चुंचड़ा के खदीना मोड़ पे यही दो दिन पहले ही बीजेपी की रैली के दौरान काफ़ी तनाव हो गया था। तृणमूल विधायक असित मजुमदार के लीडरशिप में बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया और बीजेपी की ओर से विधायक पर आरोप लगाया गया कि उनके लीडरशिप में तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने बीजेपी की रैली पर हमला किया। घटना के बाद काफ़ी टेंशन हो गई वहाँ और जब पुलिस खदीना मोड़ पर पहुँची तो परिस्थिति को तब जाकर के कंट्रोल किया जा सका। बीजेपी के मुख्य जो प्रवक्ता हैं शमिक भट्टाचार्य, उन्होंने ये कहा कि एक विधायक डंडा लेकर के राजनीतिक विरोधियों के जुलूस पे हमला कर रहा था, इससे राज्य में हालत की जो गंभीरता है उसको सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। असित मजुमदार पुराने राजनीतिज्ञ हैं, वे इतनी जल्दी कैसे आपा खो बैठते हैं, ये भी उन्होंने कहा। ये जो मैंने एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताया है, इसको समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि किस तरीके से ममता बनर्जी के गुंडा राज में पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तानाशाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कानून में, राज्य में कानून और व्यवस्था का जो हाल है छोड़ दीजिए उसको, चुनाव से चुनकर आए प्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। वीरभूम में 10 लोग जिंदा जला दिए गए। वीरभूम नरसंहार के मामले को 28 मार्च 2022 को जब बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में उठाने की कोशिश की तो उनके साथ हाथापाई की गई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। हद देखिए, विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने स्पीकर से ये पूछा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वीरभूम नरसंहार को लेकर के सरकारी मदद की घोषणा विधानसभा के बाहर क्यों कर रही हैं, जबकि नियम ये है कि सत्र जारी रहने तक सरकारी फैसलों की जानकारी सदन को देनी होती है। इसके साथ ही बीजेपी विधायक वीरभूम नरसंहार को लेकर के परिचर्चा
और ममता बनर्जी के बयान की मांग कर रहे थे। इस पर ममता बनर्जी के पार्टी, उनकी जो पार्टी है टीएमसी, उनके विधायकों ने विरोध करते हुए बीजेपी विधायकों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। अच्छा, इसे छोड़ दीजिए, 21 मार्च 2022 को बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुर हाट में 10 लोगों को जिंदा जला के मार डाला। बारसल ग्राम पंचायत के उप प्रधान और टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के बाद टीएमसी के समर्थकों की हिंसक भीड़ ने 10 से 12 घरों में आग लगा दी और बाहर से ताला लगा दिया। देखिए, ये हद देखिए उनकी, और जिंदा लोग अंदर जल के मर गए। टीएमसी के गुंडे इतने जालिम हो गए हैं कि उन्होंने जलते हुए लोगों को बचाने की कोशिश करने की बजाय उनको अंदर बंद कर दिया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ने ये वाली बात कही कि कम से कम 10 घरों को आग ने बर्बाद किया है, और कुछ स्थानीय लोगों ने आग बुझाने में मदद की है, जबकि हमें एक घर से 7 शव मिल चुके हैं, ये फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ने कहा। इतनी बुरी तरह वो जले हुए हैं कि उनकी पहचान भी नहीं हो पा रही है कि वो पुरुष हैं या महिला हैं या नाबालिग हैं। तो हालात देखिए ना, ये जो एक फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ने अपनी आंखों से देखा और वो बताया, कितना दिल को अंदर तक हिला देने वाला है। पूरे देश के लोगों ने फरवरी 2022 में पश्चिम बंगाल के निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी और आतंक को देखा। निकाय चुनावों में हिंसा और बूथ लूट को कवर करने के दौरान कई मीडिया हाउस को, कम से कम 9 पत्रकारों को पीटा गया। मतलब मीडिया भी नहीं बचा, मीडिया वहाँ वही स्टैंड करेगा जो ममता की हाँ में हाँ मिलाएगा। कोन्नागर के वार्ड 10 के बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णा भट्टाचार्य पर हमला किया गया। बीजेपी का ये आरोप है कि उम्मीदवार को सड़क पर पीटा गया और उनके पैर में गंभीर चोट आई, उन्हें गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। अभी उनका ये रुका नहीं है, मैं आपको और बताती हूँ कि किस किस तरीके से ममता की पार्टी वहाँ जुर्म कर रही है। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरीके से आगजनी, पत्थरबाजी, बलात्कार और हत्या की घटनाएं हुई, उनकी हकीकत जान करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जाधवपुर में 40 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं और दलितों के घर जला दिए गए, और कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक टीम गठित की पूरी घटनाओं की जांच के लिए। तो ये टीम जब जाती है जांच के लिए, तो इस टीम का भी बुरा हाल किया गया। इस टीम को टीएमसी के गुंडों ने चारों ओर से घेर लिया, धमकाया, पत्थरबाजी भी की, यहाँ तक कि CISF के जवान पर भी हमला किया। तो वहाँ बचा कौन, कौन सुरक्षित है वहाँ? जून 2021 में बेखौफ टीएमसी के गुंडों ने पूर्वी मिदनापुर के पताशपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की जो उपाध्यक्ष रेखा मैथी पर निर्मम तरीके से हमला किया। मैथी काफ़ी सीरियस हो गई, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, और बीजेपी कार्यकर्ता देवदत्त माझी ने रेखा मैथी के हमले के बाद की तस्वीरें शेयर करते हुए टीएमसी की हिंसा की को लोगों को बताया। 2018 में इन्हें नर्क भोगना पड़ रहा है, और उस समय 6 माह की ये गर्भवती थी, ये वो अपने फोटोग्राफ्स में बता रहे हैं। तब इन्हें इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि इनका मिसकैरेज हो गया था, और अब इनका परिवार फिर से बीजेपी का साथ देने का खामियाजा भुगत रहा है, और वो उस परिवार की मदद करने में लगे हुए थे। एक और इंसिडेंट है, जून 2021 में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भाजपा सांसद डॉक्टर जयंत कुमार जरोय पे हमला हुआ था। उन्हें घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घटना के समय वो भाजपा कार्यकर्ताओं से मिल करके लौट रहे थे।
जयंत राय के मुताबिक करीब 5 बजे टीएमसी के गुंडों ने उन पर हमला किया, उन्हें बांस और डंडों से मारा और उनके हाथ और सर में चोट लगती है। केवल उन्हीं पर नहीं, उनके साथ तो दूसरे जो कार्यकर्ता थे उन पर भी हमला हुआ। मतलब कुल मिला के पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची हुई नहीं है। बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद हिंसा का दौर जारी रहा। टीएमसी के गुंडों ने जीत का खूनी जश्न मनाया। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट के जरिए वीडियो शेयर किया जिसमें लाठियों और हथियारों से लैस टीएमसी के गुंडों को बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी करते हुए बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है। विजयवर्गीय ने ट्वीट में लिखा कि देखिए कैसे बंगाल के बहुसंख्यक समाज के गाँव में इस तरह से गुंडे आतंक मचा रहे हैं। तो दोस्तों, ममता के राज्य में इस तरीके की गुंडागर्दी हो रही है कि उसको बयान करते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और पिछले कई वर्षों से ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि ममता बनर्जी ने राज्य में विपक्ष को खत्म करने की पूरी प्लानिंग की हुई है। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के गुंडे कई सालों से बीजेपी और सीएमपी के कार्यकर्ताओं के पीछे पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि उनकी हत्या करवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर जाते समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पे टीएमसी के गुंडों ने हमला किया। ये क्या कम छोटी बात है? टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की, कुछ लोग घायल हो गए। इससे पहले पंचायत चुनाव में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। एक महिला को ममता की पार्टी के गुंडों ने निर्वस्त्र करके मतदान केंद्र पर जाने से रोका, बूथों पर कब्जा कर लिया। क्या ये सब जो है ममता यानी कि पश्चिम बंगाल की जो मुखिया है उनकी कंसेंट के बिना हो सकता है? आप खुद ही सोचिए दोस्तों, इस तरीके का राज्य चल रहा है। एक लोकतंत्र हमारा देश है, उसमें अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो क्या हम रियलिटी में डेमोक्रेसी को एंजॉय कर रहे हैं या हम गुंडागर्दी को फेस कर रहे हैं? दोस्तों, आपको ये कंटेंट कैसा लगा? ममता बनर्जी के जो पार्टी है टीएमसी, उस पर आप अपना क्या कमेंट करते हैं? मुझे आपके कमेंट की मेरे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।